What's up guys? आज हम देखने वाले सुधांशु त्रिवेदी सर की एक और मस्त मजेदार थग लाइफ वीडियो, जबरदस्त डिबेट होगी आशुतोष के अगेंस्ट। तो इनकी डिबेट तो वैसे ही मजेदार रहती है, और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। कहां से देख रहे हो वीडियो ये भी बताना जरूर। 1 2 3 गो। तो बीजेपी कहते राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? तो ये बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3। ये कहते जय श्री राम, मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। तो रामलला है, बालक है, जब बड़े होंगे, विवाह होगा, तब सियाराम होंगे ना। बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो भाई, सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए। अभी ये टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका। आप कहिए कि काशी मंदिर वापस मिलना चाहिए, बोल दीजिए। मैं मुझे जो जो हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए। अरे गर्दन कटी थी कि नहीं बोलिए? हां या ना? गांधी जी पे कहां लिखा किताब का नाम बोलिए? राम है क्या? सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा। ये बात है, बिल्कुल सही, आनंद की बात, मानते हो हमारे सिविलाइजेशन का एक हिस्सा है और उसके प्रतीक पुरुष कह सकते हैं। लेकिन जब हम राम के बारे में बात करते हैं तो हम किन राम के बारे में बात करते हैं? वो जो कबीर कबीर के राम है, जो कहते हैं मैं तो राम की बहुरिया हूं, ये कबीर कहते हैं। कबीर ये भी कहते हैं निर्गुण राम जपहु रे भाई, अवगत की गति लखी न जाई। ये कबीर कहते हैं, वो एक निराकार परम ब्रह्म की बात करते हैं जिनको आप महसूस करते हैं, जो कहीं किसी मूर्ति में नजर नहीं आते, उनको हर जगह नजर आते हैं। और तुलसी क्या कहते हैं? रामय केवल राम प्यारा, जान ले जो जाने निहारा। तो तुलसी ये कहते हैं, तो हम किस राम के बारे में बात कर रहे हैं? वो जो निराकार ब्रह्म है या वो जो साकार ब्रह्म है? इन दोनों के बीच में अगर हम ध्यान से देखें तो रामचरित मानस में आ जाते हैं। जब रामचरित मानस के पहले की बात कही जाती है कि भाई हिंदू धर्म में वैश्य और शैव के बीच में जबरदस्त झगड़ा हुआ, लेकिन रामचरितमानस अगर आप बालकांड, हमारे बहुत सारे बच्चे यहां बैठे, उनको ये पता होना चाहिए कि रामचरितमानस है क्या। आप किसी भी बीजेपी वाले से पूछे नहीं बता पाएंगे वो। रामचरितमानस दरअसल भगवान शिव के मानस में राम की कथा, यह है रामचरितमानस का अर्थ। और भगवान शिव माता पार्वती को पूरी कहानी बताते हैं। जब माता पार्वती कहती है मुझे भगवान राम के बारे में बताइए, तो वह कहते हैं पार्वती जो तुमने कहा वो तो दुनिया का परम कल्याण है। तो वो कहते हैं भगवान शिव पार्वती को राम की कथा कहते हैं, तो वो तो शैव और वैष्णव दोनों को जोड़ देते हैं, वहां से वो लड़ाई खत्म हो जाती। और ये राम की जो कथा, चार घाटों पर कथा कही जाती है। एक पे भगवान शिव पार्वती को बताते हैं, दूसरे पे याज्ञवल्क भारद्वाज को बताते हैं, तीसरे पे काकभुशुंडी कौवों को बताते हैं, और चौथे पे खुद तुलसीदास इसका पाठ करते हैं। अब प्रश्न ये उठता है, जब राम ऐसे हैं कि जिनकी कथा खुद भगवान शिव कहते हैं, तो बीजेपी कहते हैं राम सिर्फ मेरे हैं, और जो कहेगा कि राम कबीर वाले हैं हम उनको नहीं मानते। जो आपने कहा राम शब्द का अर्थ जानते क्या है? रम धातु से बना है, जैसे आपने हिंदी में और संस्कृत में शब्द सुना होगा रमणीक स्थान, रमता जोगी, यानी जिसमें चीज सेटल हो। राम शब्द का संस्कृत में अर्थ है रमंते इति रामः, अर्थात वह एलिमेंट जिसमें संपूर्ण संसार सेटल्ड है। और वो एलिमेंट का संघर्ष किससे है? दशानन से, 10 मुख वाले रावण से, उसकी 10 इंद्रियों की बहिर्मुखी पिपासा से। और राम उत्पन्न कैसे होंगे? राम के पिता क्या नाम है? दशरथ। तो 10 इंद्रियों को रखेंगे तब भगवान, तब डिवाइन एलिमेंट आपके अंदर उत्पन्न होगा, एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी ऑफ ऑल द 10 सेंसेस को डिस्ट्रॉय करेगा और धर्म स्थापित होगा। जब ये कहने लगते हैं ये राम वो राम, तो मुझे जानते क्या नजर आता है? तो बच्चों को एलिमेंट्री पढ़ाया जाता है 1 2 3, फिर आगे जाके वो फ्यूचर में एमएससी मैथमेटिक्स भी करता है, बैलिस्टिक इक्वेशन भी बताता है। पर ये कहेंगे नहीं वो बैलिस्टिक इक्वेशन है तो फिर तो 1 2 नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो तो अलग है। मैं पहले भी उदाहरण दे चुका हूं, 4 - 3 = 1 होता है। आप सब ने जब क्लास सेकंड थर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा, अगर आप 3 - 4 करते टीचर डांट देती थी, बेवकूफ, ये नहीं पता 3 - 4 नहीं हो सकता, पर 3 - 4 होता है -1। ये बताएंगे -1 का स्क्वायर रूट होता है i, जो सारी बैलिस्टिक इक्वेशंस का मेन अंग। तो उस लेवल पे पहुंचिए तो समझ में आएगा। मैं अयोध्या के पास का रहने वाला हूं, वहां पे बचपन में सिखाया गया जय सियाराम, भगवान राम बिना सीता के माना ही नहीं गया हमारी परंपरा में। ये कहते हैं जय श्री राम, मुझे जय श्री राम में कोई दिक्कत नहीं है। हम बचपन में थे तो कुरो कहते, जो हिंदू हो मुसलमान, राम राम कहते थे, राम राम कहते थे। आपने उसको पॉलिटिकल किया, क्योंकि तब आपकी जमीन जब पूरी तरीके से खत्म हो गई, जब लगा कि हिंदुस्तान की राजनीति से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब आप हुए। चड्ढा समझाओ इसे, समझाओ। देखिए बहुत लोग कहते हैं कि सियाराम, जय सियाराम बोला जाता है, नहीं हमारे बोला जाता सियावर रामचंद्र की जय, भगवान का नाम लेकर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मगर
यहाँ पे क्या है तो रामलला का मंदिर है, अभी तो रामलला है, बालक है, बालक है वो। जब बड़े होंगे विवाह होगा तब सिया राम होंगे ना, अभी तो श्री राम ही है, रामलला है। तो जब राम मंदिर का बात आएगी रामलला का मंदिर में तो जय श्री राम ही होगा, जब वो बड़े होकर राजा राम बनेंगे तो जय सिया राम होगा। बोला शीतला प्रसाद सिंह ने किताब लिखी है जो अयोध्या के रहने वाले बड़े पत्रकार है वो, आपको लेफ्टिस्ट के लिए राइटिस्ट के लिए, उन्होंने एक प्रसंग का उदाहरण किया है कि जब ये बातचीत चल रही थी राम के इस राम मंदिर का कैसे निपटारा हो, तो एक सलूशन आया, उस सलूशन को लेके बहुत प्रसन्न हुए अशोक सिंघल और वो गए बाला साहब देवराज के पास और उन्होंने कहा कि बाला साहब जी ये प्रसंग बहुत अच्छा, राम मंदिर तो बन जाएगा। बाला साहब देवराज ने अशोक सिंघल को डांट लगाई, बोले क्या बेवकूफी की बात करते हो, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, किताब में लिखा हुआ है, आज भी किताब उपलब्ध करा पड़ेंगे शीतला प्रसाद सिंह की जय उद्धार। इस मुद्दे पर हमें इस देश के अंदर 300 सीटें लेकर आनी, अपनी सरकार बनानी। देखिए पहली बात तो ये हो गई कि भाई सब मानने को तैयार हो गए, नास्तिक भी मानने को तैयार हो गए। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। लेफ्टिस्ट प्रोपोगंडा देखिए, बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल के बीच की बातचीत में एक लेफ्टिस्ट पत्रकार बैठा हुआ है और कितनी अथॉरिटी से बता रहा है, ये बात हुई वो बोला गया और ये डांट खा गई। मुझे तो समझ में नहीं आता भाई कौन सा लेफ्टिस्ट पत्रकार बाला साहब देवरस और अशोक सिंघल जी के बीच में था, ये प्रोपोगंडा होता है। बीजेपी की एक चीज बिल्कुल स्पष्ट कर देनी चाहिए, बार बार घालमेल करते हैं, भगवान राम अगर भगवान है तो फिर इतिहास पुरुष कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो पुरुष है, जो इंसान है, वो आदि है और अंत है उसमें। देखिए लोग नास्तिक होकर भी कितना बढ़िया दर्शन की व्याख्या करने लगते हैं कि भगवान, अभी इन्होंने भी कहा कि भगवान है तो इंसान कैसे हैं? अरे तुलसी ने जवाब दिया है, व्यापक ब्रह्म निरंजन अविगत विगत विनोद सो अज प्रेम प्रेम भगति बस कौसल्या की गोद। वो कहते हैं कि ये ब्रह्म है, अनादि है, परंतु भक्ति के कारण वह आपको दिखाई पड़ते हैं, जैसे सूर्य आपको दिखता है ऊपर मगर आपको शीशे में रिफ्लेक्शन में देखता है, अगर शीशा साफ होगा तो आपको साफ साफ रिफ्लेक्शन सूर्य का दिखेगा, यानी वो उस रूप में आते हैं। और ये लोग बड़ी मजेदार बात करने लगते हैं कि साहब तुलसी के राम अलग हैं और उनके राम अलग हैं, तो तुलसी ने भी कहा सिया राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोर जुग पानी, कबीर ने कहा है दुल्हिन गाओ मंगल चार हमरे घर आए रे राजा राम भरतार, राजा राम बोला है एक लख पूत सवा लख नाती तार रावण घर दिया न बाती, तो वो रावण भी उन्होंने बहुत साफ साफ कहा है। अभी बहुत सारे लोगों ने आशुतोष इंक्लूडेड है वो कह रहे हैं हाँ राम मंदिर मुझे बड़ी खुशी है राम मंदिर वहां बन रहा है, 20 साल पहले ये उन्हीं लोगों में से थे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कि वहां पे स्कूल बनाओ अस्पताल बनाओ, नीचे तो था ही नहीं मंदिर, ये है मैं अभी इनसे ये टेस्ट ले रहा हूं मैं इनका, मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं क्या आप चाहेंगे कि काशी का मंदिर वापस मिले, वो जो ज्ञानव्यापी जो है हिंदूस को वापस मिले, क्या आप चाहेंगे कि मथुरा का ईदगाह हटे और वहां पे जो कृष्ण जन्म स्थान है वो हिंदुओं को वापस मिले, आप नहीं चाहेंगे क्योंकि आपका प्रिज्म जो है वो ये सिविलाइजेशनल इशू मानता ही नहीं है, वो ये मानता ही नहीं कि इनजस्टिस हुआ है, आपको ज्ञानव्यापी दिख रही है, आपको काशी विश्वनाथ मंदिर दिख रहा है टूटा हुआ उसके ऊपर गुंबद बनाए हैं, लेकिन फिर भी आप ये कहते हैं, आप कहिए कि काशी मंदिर वापस मिलना चाहिए, बोल दीजिए बोल बोल मुझे जो जो आपत्ति है इन सारी चीजों पे जब हो जाएगा कि जब राम मंदिर बन के जानते क्या संदेश देगा, दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है कि भाई भाई की गर्दन काट के गद्दी पे बैठा, बेटा बाप को मार के गद्दी पे बैठा, ये दुनिया को एक संदेश देगा कि एक ऐसा भी महापुरुष है, एक ऐसे भी भगवान है, एक ऐसी महान संस्कृति है जहां पिता के एक वचन के लिए संपूर्ण राज्य छोड़कर बेटा जंगल में चला जाता है, जहां जिसको राज मिलने वाला होता है वो खड़ाऊ रखकर शासन करने लगता है, दूसरा भाई जंगल में चला जाता है, ये संदेश देगा। आप तो पढ़े लिखे आदमी है ना, दोनों लोग पढ़े लिखे आपसे, जुलाई 27 जुलाई 1937 हरिजन एक अखबार था जिसके एडिटर थे महात्मा गांधी, गांधी जी से पूछा गया जब डिबेट हो रही थी राम राज्य कैसा हो किस तरीके से राजा कैसा होना चाहिए, वो अबू बकर और अबू उमर का जिक्र करते हैं, ये कौन है, ये कौन है, ये पैगंबर मोहम्मद के बाद जो पहले खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर, तो दूसरे खलीफा बने वो अबू उमर, जो तीसरे खलीफा बने वो अबू उस्मान चौथे जो बने वो अली थे। गांधी जी को इस्लाम से प्रॉब्लम नहीं, वो कहते हैं हमें अबू बकर से सीखना चाहिए, हमें अबू उमर से सीखना चाहिए, अबू बकर उमर उस्मान और हजरत अली चारों का सरतन से जुदा हुआ नहीं, क्या बताना चाहते हो मेरे भाई, अब तो आप भी मत बोलिए, अभी ड्रॉप मत करिए और सुनिए, हजरत अली जो मोहम्मद साहब के सीधे परिवार के थे वो, अब सुनिए अब शांत रहिए, वो फजल की नमाज में झुके हुए थे जब सर काट दिया गया,
क्या बच्चों को आदर्श देना चाहते हैं कि साहब उनके बारे में बात करके आज के जमाने में मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। आप क्या उसका पालन बात करें? आप चाहते हैं हिंदू धर्म उसी तरीके से हो जाए? आप ये चाहते हैं? आप गर्दन कटी थी कि नहीं बोली? गांधी जी पे गांधी ने गांधी ने कहा गर्दन काटने वाले सही है? गांधी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। अब मैं बताता हूँ, सुनिए, सुष्मिता जिक्र नहीं करेंगे, जिन्होंने गर्दन काटी थी। आप सुष्मिता सिंह का जिक्र नहीं करेंगे? मेरी बात कहानी का किताब बना बोलिए, जिक्र नहीं किताब का नाम बोलिए, किताब का नाम बोलिए, सुष्मिता सिंह का नाम किस किताब में लिखा? कह रहा हूँ आपसे, किताब का नाम बोलिए। किताब का नाम ऐतिहासिक फैक्ट है। गांधी के रास्ते चलने की बात करते हैं, अबू बकर का पक्ष नहीं ले सकते, सर काटने वाले का पक्ष गांधी नहीं ले सकते। आप विदाउट रेफरेंस कह रहा हूँ, अगर आप कह रहे हैं आप गांधी के हिंसा का मजाक उड़ाए, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से करो गुजारिश। मैं देखो भैया, पहले तो एक चीज इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने कुछ कुछ उन्होंने बातें उठाई किताब की, उन्होंने बोली तो सुधांशु जी ने कहा कि तुमने इतना पढ़ा है, मैंने पूरा पढ़ा है, और फिर उन्होंने सारी बातें बोली कि इसमें ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। तो मुझे लगता है कि कभी भी आप डिबेट में आते हो सुधांशु सर के साथ खासकर, तो आप फैक्ट्स पूरे की मतलब कि पहले नहीं फैक्ट्स पढ़िए, मतलब आपने कुछ चीजें निकाल ली ना, लेकिन ये देखो कि उन कुछ चीजों के अलावा और भी चीजें हैं, और अगर मोर ओवर लपेटे में अगर आओगे तो ज्यादा ही मतलब उस तरीके से डिबेट चली जाती है। और दूसरी बात, काफी लोग ये कह रहे थे ना वहां स्कूल बना दो, वहां पर हॉस्पिटल बना दो, क्या धरती इंडिया में और जगह नहीं है? कितनी जगह है यार, बन सकती है जहां पर जो चीज मुद्दा चल रहा है। कल को तो लोग ये भी कह देंगे सिनेमा हॉल बना दो, मॉल बना दो। अरे भैया, एजुकेशन देने के लिए स्कूल ही तो बनना है, स्कूल तो और इतने सारे स्कूल हैं और बन भी रहे हैं। वहां पर जो मंदिर था यार, वो जो जस्टिस होनी है वो तो होगी, और दूसरी बात वो कह रहे एजुकेशन होगी, तो ये भी तो देखो ना भाई, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितनी इनकम होगी, फॉरेनर्स आएंगे तो जीडीपी भी बढ़ेगी, अयोध्या में पैसा आएगा, इंडिया में इकोनॉमी आएगी, लोग बेरोजगार नहीं रहे, कितना लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो भैया थोड़ा सोचो, थोड़ा समझदार बनना चाहिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से रखना चाहिए। कुछ लोगों ने ठान रखी है बीजेपी के अगेंस्ट किसी भी तरीके से बोलना है, चाहे धर्म को बीच में लाके बोलना है, चाहे हमें क्या बोलते हैं राम मंदिर जो अब बन रहा है उसका मुद्दा लेके बोलना है। लेकिन मैं यही कहूँगा, बोलते रहो, मुस्कुराते रहो, जो होना था वो होगा। इनॉग्रेशन है 22 जनवरी को, उसके लिए सबको बधाई। और यस, मोदी जी ने कहा है कि उस पर्व को दिवाली की तरह सेलिब्रेट करें 22 जनवरी को। और भैया उस दिन देखना, चर्चे ही चर्चे सिर्फ इसी बारे में होने वाले हैं, न्यूज में लेकर हर सोशल मीडिया पर। और भैया हम उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आई एम श्योर आप लोग भी करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताइएगा, डिबेट कैसे लगी उसके ऊपर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा कमेंट सेक्शन में। शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय, टेक केयर।